नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 2, वर्ण विचार। बच्चों, इस चित्र में व्यक्ति आवाज लगा रहा है, मिठाई वाला। यह एक शब्द है जो अपने संपूर्ण अर्थ को प्रकट कर रहा है। मिठाई वाला से आपको समझ में आ रहा है ना कि यह व्यक्ति मिठाई बेच रहा है। इस शब्द की रचना अलग अलग वर्णों के मेल से हुई है। अलग अलग वर्णों को जब जोड़ा गया, मिलाया गया, तब इस शब्द की रचना हुई है जो है मिठाई वाला। आओ देखें कैसे। यहाँ पर है ध्वनियाँ वर्ण मी मी म ई ठ आ ई व आ ल आ। तो सब इन वर्णों का जब मेल किया गया तब शब्द बना मिठाई वाला। आप देख सकते हैं कि अलग अलग ध्वनियों के मेल से मिठाई वाला शब्द का निर्माण हुआ है। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। जिस चिन्ह के द्वारा इन्हें लिखा जाता है वह वर्ण कहलाता है। तो भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है जिसके और ज़्यादा खंड हम नहीं कर सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जब हम उन्हें बोलते हैं, सांस की हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं, अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ औ। स्वर के भेद मुख्य रूप से स्वरों के भी दो भेद होते हैं। वर्णों के दो भेद हैं स्वर और व्यंजन। अभी हमने पढ़ा स्वर, और स्वर के भी दो भेद होते हैं। सबसे पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, अ ई उ री। इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, और ये 7 होते हैं, जैसे कि आ ई ऊ ए ऐ ओ औ। तो ह्रस्व स्वरों से ज़्यादा समय इनको उच्चारण में लगता है। अब है व्यंजन। जिन वर्णों जैसे क ख आदि का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना क, तो इसमें आगे क्या सुनाई दे रहा है, अ सुनाई दे रहा है। तो इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। अब व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ळ और ढ मिलाकर अब इनकी संख्या 27 है। इन्हें क से म तक के 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में आते हैं क ख ग घ ण, चवर्ग में च छ ज झ ण, टवर्ग में ट ठ ड ढ ण, तवर्ग में त थ द ध न, और पवर्ग में प फ ब भ म। ड और ढ अतिरिक्त व्यंजनों के रूप में इस वर्ग में आते हैं। ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते,
इन व्यंजनों से ड और ढ के स्वरूप तथा ध्वनि में अंतर आ जाता है, जैसे डर पकड़, तो ड और ळ में ध्वनियों में अंतर आ गया ना, डर और पकड़। ठंड सड़क, ढेर चढ़ाई, ढोल बूढ़ा, तो आपको ध्वनियों का स्वर में जो अंतर है वो समझ आ रहा होगा। दूसरे नंबर पर है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण लगभग स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य में होता है। इनकी संख्या चार है, य र ल व। अब है ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के मुंह में रगड़ खाने से एक प्रकार की ऊष्मा गर्मी पैदा होती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी भी संख्या चार है, श श स ह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है संयुक्त व्यंजन, हिंदी में कुछ व्यंजन संयुक्त रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जोड़ के, संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण, दो व्यंजनों को जोड़ने के कारण इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं, यहाँ व्यंजनों का जोड़ दिखाया गया है और यहाँ संयुक्त व्यंजन। क और श को जब हम जोड़ते हैं तो वो होता है इक्ष, ज और ज्ञ को ज्ञ। इसके उदाहरण हैं पक्ष, रक्षा, सक्षम, ज्ञानी, संज्ञा, यज्ञ। त और र को जब हम जोड़ते हैं तो हमें संयुक्त व्यंजन मिलता है त्र, सत्र, चित्र, पत्र। श और र को जोड़ते हैं तो श्र, श्रमिक, श्राप, विश्राम। तो ये होते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन, जो कि दो व्यंजनों को संयुक्त करने से बनते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि का उस जैसी किसी अन्य ध्वनि से संयोग होता है, ध्वनि का उस जैसी किसी अन्य ध्वनि से संयोग होता है तब द्वित्व व्यंजन की रचना होती है। जैसे क और क एक जैसी ध्वनि है, जब इनका संयोग होता है तो बना कक, मतलब आधा क और पूरा क, जैसे टक्कर पक्का। म और म का संयोग हुआ आधा म पूरा म, जैसे चम्मच, सम्मान आदि। तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। अब है स्वर का व्यंजन के साथ प्रयोग, शब्द निर्माण के लिए सभी स्वरों का मात्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। केवल अ स्वर की मात्रा नहीं होती, अन्य सभी स्वर मात्राओं के रूप व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं, ये यहाँ पर आपको मात्राएं दी हुई हैं। स्वर सहित व्यंजन अ और क, तो बन गया क ल, आ और आ, क में आ की मात्रा लगा दी का, कान, ई, क में ई की मात्रा लगाई तो शब्द बना किरण, ऐसे ही क में बड़ी की मात्रा लगाई तो शब्द बना कील, उ की मात्रा, छोटे उ की मात्रा लगी तो बना कुनबा, बड़े उ की मात्रा लगी तो बना कुबड़। आगे के ये आप स्वयं पढ़ेंगे बच्चों। अब है अयोग वाह, दो अन्य वर्ण भी हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से अयोग वाह कहा जाता है, ये हैं अंग और अह। अनुस्वार अनुनासिक, अनुस्वार इसे व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जो ये अंग होता है ना इसे, जैसे कंस, पतंग आदि। अनुनासिक इसे मुख और नाक से बोला जाता है, जैसे हंसना, आँख आदि। इसके ऊपर आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आ का उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होता है, जैसे डॉक्टर, ओ और आ के बीच की ध्वनि से होता है। अगर यहाँ पर बिंदु लगा होगा तो इसे मुख और नाक से बोला जाएगा, और अगर बिंदु नहीं होगा सिर्फ चंद्र होगा
तो उसका उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि से होगा, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। अब है विसर्ग। संस्कृत में हिंदी से आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग का चिन्ह, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लगाया जाता है। इसका उच्चारण ह के समान होता है, उदाहरण पुनः, प्रातः आदि। र वर्ण का संयुक्त व्यंजन में प्रयोग, र का संयोग किसी अन्य वर्ण से करने पर उस संयुक्त व्यंजन का रूप कुछ भिन्न हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। स्वर रहित र को आगे आने वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है, इसे कहते हैं बच्चों रेफ की मात्रा, ये ठीक है, और उससे पहले बोला जाता है। क प्लस र प्लस म, कर्म। तो अब यहां पर लिखा हुआ है हमने कर्म, हमने ये रेफ की मात्रा लगाई, लेकिन हम इसे जिसके ऊपर हमने रेफ की मात्रा लगाई है, जैसे म के ऊपर लगाई है, लेकिन हम उच्चारण पहले इसी का करेंगे, कर्म, कर्म। म का उच्चारण बाद में किया जाएगा, जैसे शर्म, गर्म, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है क से पहले स्वर रहित पाई वाला व्यंजन, अथवा क, फ या ह आ जाए तो र उसके नीचे पदेन, जैसे ये पदेन दिख रहा है आपको यहाँ पर, के रूप में जोड़ दिया जाता है। जैसे क प्लस र क्र, म प्लस र म्र, ब प्लस र ब्र, ग प्लस र ग्र, फ प्लस र फ्र, ह प्लस र ह्र, ज प्लस र ज्र, व प्लस र व्र। तो इसे कहते हैं कि ये है पदेन और ये है रेफ की मात्रा, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का पाठन समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि क्या पढ़ा और क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, वर्ण की परिभाषा दो, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण की परिभाषा बच्चों आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे, और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। स्वर किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर किसे कहते हैं बच्चों, जिन वर्णों को बिना किसी रुकावट के मुंह से सांस बाहर निकालते हुए बोला जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आप पाठ के आधार पर स्वयं बताएंगे। अयोगवाह किसे कहते हैं, व्यंजन से आप क्या समझते हैं और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों पाठ का स्वयं पुनः पाठन करके आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे। निम्नलिखित शब्दों के सामने उनकी वर्तनी दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखो, जैसे यहाँ पर हमें दी हुई है अमरूद, अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस उ प्लस द प्लस अ। ऐसे ही किसान, तो इसे कैसे लिखेंगे, क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ, ये आप स्वयं करेंगे। लड़का, ल प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस आ, और ये बोतल, ये भी आप स्वयं करेंगे। अनुनासिक, विसर्ग और संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए चार चार शब्द लिखो। अनुनासिक के चार शब्द हैं आँख, चांद, हंसना, और ये आप स्वयं लिखेंगे। विसर्ग पुनः, प्रातः, अतः, ये भी आप स्वयं लिखेंगे बच्चों। संयुक्त व्यंजन में मैंने यहाँ तीन शब्द दिए हुए हैं, रक्षा, ज्ञानी और सत्र, ये चौथा शब्द आप स्वयं लिखेंगे। दिए गए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखो, क्ष से रक्षा पक्ष, ज्ञ से संज्ञा ज्ञानी, त्र से चित्र सत्र
श्र से श्राप श्रमिक। दी गई तालिका को पूरा करो, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। यहाँ मैंने कवर्ग चवर्ग और टवर्ग की तालिका को पूर्ण किया है, ये दोनों तालिका आप स्वयं पूर्ण करेंगे। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये वर्ण विचार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पाठ का पुनः पाठन करके आप सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।